सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नृसिंहरूपेण हन्तुं दैत्यं
त्रैलोक्यत्राण सहिते नारायणे नमोऽस्तुते किरीटिणि महावज्र सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्र प्राणहरे चेन्द्रे नारायणे नमोऽस्तुते शिवदूते स्वरूपेण हतदैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणे नमोऽस्तुते दशकरालभरणे शिरोमालविभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणे नमोऽस्तुते लक्ष्मीलज्ज महाविद्वे शतपक्षे सुभद्रवे महारात्रे महाविद्ये नारायणे नमोऽस्तुते मेधे सरस्वते वरे भूतिर्भ्रमितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणे नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ते समन्विते महेश्वरायणो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते एतत्ते वदन सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पादुनः सर्वभीतिभ्यः कात्यायणि नमोऽस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रं अशेषाश्रुधूदनं त्रिशूलं पादुनो भीतर्भद्रकाले नमोऽस्तुते हिणसे दधरजांसि स्वनेन पूरयाजग साखण्डा पादुनो देवी पापेभ्यो नासुरानिव असुराधिर्वसा पङ्कचर्चितस्य कुलज्ज्वलः शुभाय खगो भवतु चण्डिके त्वां नतापयम् अरोगाणयेषाण्यपहांस्य दुष्टान् अदुष्टाभुकामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाशयतां प्रयान्ति एतत्कृतं यज्ञलनां प्रयाद्य धर्मद्विषां देवि महासुराणाम् अरूपैरनेकैर्भवधात्मोति कृत्वा मृगेतत्प्रकरोत्यकाम्या विद्या सुशास्त्रेषु विवेकदीपे स्वादेषु वाक्येषु जगात्मधन्या मम त्वगते त्रिमहान्धकारे विभ्रामयते तदेव विश्वम् अरक्षांसि यत्र ग्रविशाश्च नाग यत्रारयोदस्य बलानि यत्र धावानलो यत्र दधाभिमध्ये तत्र सिता त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरे त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिकाधारयसे ते विश्वं विश्वेशवन्द्या भवते भवन्ति विश्वाश्रयाय त्वयि भक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपालय नोरभीते नित्यं यथा सुरथा धुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनिताश्च महामसर्गा प्रणतानां प्रसीदत्वं देवे विश्वादिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामेढे लोकानां वरदा भव देव्यो वाच वरदाहं सर्गणां वरं शर्मण शर्ष तमृणध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवावोचोः सर्वबाधा प्रसरणं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव द्वयाकार्यम् अस्मवेलिनाशनम् देव्यो वाच देवश्वतेन्द्रे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शम्भो निशम्भसेवायामुत्पत्ते महासुरम् नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्थाणाशयिष्यामि मिथ्याचरणिवासिणि पुनरप्यदेण रूपेण पृथभेतले अवतीर्यहनिष्यामि व्यप्रयत्तादुदानवान् भक्ष्यन्तादुदानुद्रं व्यप्रयत्तान् मासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ते धारमे कुसुमोपमाः ततो मां देवतः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः भवन्तो व्याहरिष्यन्ते सन्तं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवाशक्या मनामृश्यामनं वसि
मुनिभिः सर्वदा भौम सम्भविष्यामि योनिज ततः सुतेन नेत्राणाम् निरीक्षिष्यामि यन्मुनि ईदृशन्ति मनुजः शताक्षीमिति माम् ततः ततोऽहमखिलम् लोकम् आत्मदेह समुद्भवे हरिष्यामि सुरशाकैरावृष्टिः प्राणधारके शाकम् भरेति विख्यातिम् तदा यास्यामहम् भवे तत्रैव जातिष्यामि दुर्गमाख्यम् महाधुरम् दुर्गादेवेति विख्यातम् तन्मे नामाभविष्यति पुनश्चाहम् यदा भीमम् लोपम् कृत्वा हाचरे रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनाम् प्राणकारणात् तदा मा मुनयः सर्वे सोऽशम् त्राणम् प्रमूर्तयः भीमादेवेति विख्यातम् तन्मे नामाभविष्यति यदारुणाख्यस्य लोके महाबाधम् गयिष्यति तदाहम् भ्रामरम् रूपम् कृत्वा सङ्ख्य षड्वदम् त्रैलोक्यस्य गाथाय वदिष्यामि महासुरम् भ्रामरेति च माम् लोका सदा सोऽशन्ति सर्वतः इत्थम् यदा यदा बाधादानवोत्था भविष्यति तदा तदा वदेयाहम् करिष्यामरे सञ्चयम् सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती ही पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं आरती के इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपकी मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें ये आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होता है विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपकी सुख समृद्धि के लिए आपके अवधि के लिए आपकी उन्नति के लिए आपकी दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले ही धन धन की वृद्धि करने वाले ही जो ही भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है धन लाभ होते ही उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही दीर्घायु को प्राप्त होते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजननी ने माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें आप सबका मंगल करें ध्यान ओम विद्युत तामस प्रभा वेगपति
कंधासिताम भीषणा कन्याभिः करबालखेडविलसा हस्ताभिराशेभिता हस्ते शक्रगदाधिखेडविशिखा चापं गुणं सर्जने विभ्राणामनराक्षिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भये ॐ देव्योवाच देवीस्तवेशमानित्यं दोषदेयः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयम् मधुकेडवनाशं च महिषासुरघातनम् कीर्तयिष्यन्ति एतं बलबलं शुम्भणशुम्भयोः अष्टम्यां चतुर्दश्यां नवम्यां चेकचेतसः शोषन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् नादेषां दुष्कृतं युञ्जं दुष्कृतोऽथ न च बलः भविष्यति न दारिद्र्यं न च वेषवियोजनम् शत्रुदोणाभयं तस्य दर्शितो वा न राजतः न शस्त्रा न लतो योगाकराजसं भविष्यति तस्मान् ममैतन्माहात्म्यं पठेतव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वर्गेण हितान् उपसर्गाणशेषासो महामारे समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पादं माहात्म्यं शमयेन् मम यत्रैतत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तर्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् परिप्रधाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वभूममेतच्चरितम् उच्चार्यं शाभ्यमेव च जानता जानता वापि बले भोजां तथा कृताम् प्रतिशिष्याम्यहं प्रीत्या वर्ण्यहोमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिके तस्यामैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ते समन्वितः सर्वाबाधाभिनयमुक्तो धनधान्यासुतान्वितः मनुष्यमत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं जयोद्धेशो जायते निर्भयः पुमान् रिपवः सञ्चयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसं माहात्म्यं मम शृण्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने गृहपीडासुजोग्रासो माहात्म्यं शृणुयान् मम अवसर्गाशमं यान्ति गृहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च निवेदृष्टं दुःस्वप्नमुपजायते बालग्रहानुभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घातभेदे जनिनां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्भित्तानां शेषाणां बलहारीकरं परम् रक्षाभूतविशाचानां पठनादेव नाशनम् सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घोपेश गन्धदेशोत्तमे मित्राणां भोजने होमे कौशलेयधान्यशम् अन्येषाभिधे भोगे प्रधाने वत्सरेण या प्रीतिर्मे गृहे साकृ सोचरते श्रुते शुद्रमहति पापानि तथा रोग्यं प्रयुष्यति रक्षां करोति भो देव्यो यर्मणां कीर्तनं मम युद्ध शोचतं जन्मे दुष्टदैत्यनिवहणम् तस्मिन् सुतरपेरिगतं भयं पुंसान् न जायते युष्माभिः सुतयो याश याश ब्रह्मशुभिः कृताः ब्रह्मणा च कृता सासो प्रयच्छन्ते शुभामतिम् अरण्ये प्रादरे वापि दावानि परिवारितः दस्यभिर्वाभिः शूने गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्राणु यातो वा वने वावनहस्यभिः राज्ञा क्रुद्धेण जाग्रतो बद्ध्यो बन्धागतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महार्णवे वदत्सो चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे विषदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्वर्मे तच्चरितं नरमुच्येत सङ्गणा मम प्रभावा सिंहाद्यादस्य भो वेरिण तथा दूरादेव पलायन्ते स्वरतश्चरितं नमः हरिश्रुवाच
इत्युक्त्वा सा भगवते चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्गः स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागा भुजः सर्वे चक्रो विनिहतारयः दैत्याशुदेव्या निहते शुम्भे देवनिपोयुधि जगद्विध्वंसने तस्मिन् महाग्रेतुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषामवतारमायुः एवम् भगवते देवे सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् तैलमोयते विश्वम् सेव विश्वम् प्रसूयते साजाजिराज विज्ञानम् तुष्टारिध्यम् प्रयच्छति व्यातम् तैतत्सकलम् ब्रह्माण्डम् मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारे स्वरूपया सेवकाले महामारे सेवश्रेष्ठे भवत्या स्थितिम् करोति भूतानाम् सेवकाले सनातने भवकाले नृणाम् सेवालक्ष्मी वृद्धे प्रदागृहे सेवा भवे तथा लक्ष्मी विनाशायोपजायते सुधा सम्पूजिता पुष्प धोगन्धादिवेशता ददाति वित्तम् पुत्राक्ष मतिम् धर्मे गतिम् शुभा अत्सत्य कुञ्जिका स्तोत्र शिवोवाच शृणो देवे प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमत्तम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डे जापः शुभो भवेत् न कवचम् नार्गला स्तोत्रम् कीलकम् न रहस्यकम् न सूक्तम् नापि धनम् च नान्यासो न च वाचनम् कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गापाठफलम् लभेत् अधिगुह्यतरम् देवे देवानाम विदुर्लभम् गोपनीयम् प्रयत्नेन स्वयोनेव पार्वती मारणम् मोहनम् वशम् सम्भनोचारणादिकम् पाठमात्रेण संसिद्धे कुञ्जिका सोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ गौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हं घं लक्षं घट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमर्दिणे नमः कैटवहारिणे नमस्ते महिषादिणे नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातिणे जागृतम् हे महादेवे जपम् सिद्धिम् करोष्यमे हैङ्कारे सृष्ट्योपाये हैङ्कारे प्रतिपादिका ह्रीङ्कारे कामरूपेण बीजरूपेण वासुते चामुण्डा चण्डघाते च यैकारे वरदायणे हृच्छे चाभयदा नेत्रम् नमस्ते मन्त्ररूपिणे भाम् ह्रीं भूम् भूयते पत्ने वाम् ह्रीं भूम् वागधीश्वरे क्रां क्रीं भूम् कालिका देवे शां श्रीं शोमे शुभम् गुरु हुं हुं हुङ्काररूपिणे जं 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 घटाधणे भ्रां ह्रीं भ्रूं भैरवे भद्रे भवाने ते नमो नमः अङ्कं चं टं तं पं यं षं ह्रीं धूं ऐं ह्रीं हं षं द्विजाग्रं द्विजाग्रं रोटय रोटय एतं गुरु गुरु स्वाहा ॐ ह्रीं भ्रूं पार्वते पूर्ण कां ह्रीं भ्रूं केजरे तथा सां ह्रीं सों सप्तशते देव्य मन्त्रसिद्धिं करोष्यमे इदम् तु कुञ्जिका स्तोत्रम् मन्त्रयागृतिहेतवे अभक्तेनैव दातव्यम् गोपितम् रक्ष पार्वती यस्य कुञ्जिकया देवे हीनाम् सप्तशतीम् पठेत् तस्य जायते सिद्धे अरण्ये रोदनं यथा अथ दुर्गाया पत्थरश्रुत नमस्ते शरण शिवसानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापि के विश्वरूपे नमस्ते जगवाजपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणी त्रयी दुर्गे
जगत जमान स्वरूपे नमस्ते महायोगी विज्ञान रूपे नमस्ते नमस्ते सदानंद रूपे नमस्ते जगत्ताय नेत्राहि दुर्गे अनाथ जदेन जतृष्णातुरस्य भयातस्य भीतस्य बद्धस्य जन्तोः स्वमेकागतिर्देवनिस्तारकर्त्रे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अरण्ये रण्यभावे शत्रुमध्ये जले सङ्कटे राजगेहे प्रभाते स्वमेकागतिर्देवनिस्तारभेत्रे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अपारे सागरे भजतां देह भजां स्वमेकागते देवनिस्तारनौका नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमः शण्डिके चण्डदुर्दण्डलीला समुत्खण्डिताखण्डलाशेषशत्रोः स्वमेकागतिर्भिन्नभन्दोहति नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे स्वमेका सदाराधिका सत्यवादी ननेकाखिला क्रोधना क्रोधनिष्ठा इडा पिङ्गलातो सुमनाजनाडि नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे भीमनादे सदा सर्वसिद्धि प्रदत्ते स्वरूपे विभूते सदा कालरात्रे स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे शरण Yeah.
सति वंदना रवि हो सति परमेश्वरी कामेश्वरी जय माता
सच्चिदानंद विग्रह विभवनाचा प्रीत्य प्रसीद परमेश्वरी भैया प्रेत गृहाणस्मत सचियां ज्योत वाली माता तेरी सदा ही जय श्रद्धा मनोरथ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोल सच्चे दरबार की तभी ओम शब्द का नाद होगा तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा आप सही भक्तिजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई ही इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और भक्तों को वरदान दो हम भक्तों का कल्याण करो सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे साधक जन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक इस माँ जगजंडी के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवद माँ से प्रार्थना करते हैं अपने कल्याण के लिए परिवार के सुख समृद्धि के लिए माँ भगवती का श्रवण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों को आशीर्वाद दीजिए क्योंकि जी भगवती माँ वैष्णव जब प्रसन्न होती है तो यज्ञ का वध होता है यज्ञ का कल्याण होता है और जब जब भगवती कवित हो जाती है रुष्ट हो जाती है तो न जाने कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती है इसके प्रसन्न होने पर जीवन में सुख शांति सुख समृद्धि होती है कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है धन लाभ होता है निरोगी जीवन प्राप्त होता है कष्ट दूर होते हैं दुखों का नाश होता है रोगों से मुक्ति मिलती है जीवन यात्रा सुखद बनी रहती है वह भक्तजन जो है पूर्ण आज का भोग करते हैं और अंत में उनका परलोक भी कल्याणमय हो जाते हैं जिन पर जय भगवती माँ वैष्णव प्रसन्न हो जाती है तो प्रसन्न होने पर जो है इस प्रकार सबोर से जो रिद्धि सिद्धि प्रदान करती है इसके भाव में जो है जब जो रुष्ट होती है कुबुद होती है तब साधक जो भी कार्य करता है उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती कितने परिश्रम करता है परंतु सफल वह नहीं होता जहां जहां जाता है वहां वहां उसकी पराजय होती है जिस कार्य को करता है वह कार्य जो है परिपूर्ण नहीं होता कई प्रकार की चिंता कष्ट दुख विपत्तियों से घिर जाता है इसलिए शास्त्र में कहा है कि जीवन जब भी कष्ट विपत्तियां आई तो इसमें दूसरों को दोष न देते हुए परंतु अपने आप में देखे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में हमसे कोई अपराध हुआ यदि इस जन्म में नहीं है तो पूर्व जन्म को कोई पाप है जिसका विपरीत फल हो रहा है और ऐसे में दूसरों को दोष न देते हुए
खूब भक्ति करें। भक्ति में बड़ी अद्भुत शक्ति होती है, जब आप देव देवताओं का स्मरण करते हैं, जब करते हैं, पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, तो पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, कष्ट दूर होते हैं। तो खूब भक्ति करें। भक्ति करने से ही इस जीव का, मनुष्य का सबूर से कल्याण होता है। इसलिए शास्त्र में कहा है कि कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपने जीवन अपना कल्याण चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य देह मनुष्य शरीर जो है ये उसी देवी की कृपा से प्राप्त हुआ है। देव कृपा से ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, उसकी कृपा के बिना ये सब संभव नहीं होता है। क्योंकि जितनी भी जोड़नी है, 84 लाख जोड़नी जो है, सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम जोड़नी मानव जोड़नी है, जो मनुष्य देह है। अन्य अनेक जोड़नी जो बतलाई गई है, ये समस्त भोग जोड़नी है। और जो मनुष्य देह जो है, ये कर्म जोड़नी, जिसमें मनुष्य कर्म कर करके अपना कल्याण कर सकता है। देव कृपा करते हैं जे जीव जग के जन्मों से अनेक जोने भक्ता हुआ, दुखों को प्राप्त हुआ होता हुआ भगवान से प्रार्थना करता है, और भगवान वे देव भी जो है उस पर कृपा करते हैं, बड़े कष्ट इसने प्राप्त किए हैं। अब इस पर वे कृपा करते हैं, और जब कृपा क्या करते हैं कि उसे मनुष्य दे देते हैं कि जाओ इस मनुष्य शरीर में अच्छे कर्म करो और अपना कल्याण कर लो। परंतु जीव करता क्या है, संसार में आकर के मां के गर्भ में, जो गर्भ जोनी में जो है 9 महीने तक रहता है, और कैसे स्थान पर जहां पर मल मूत्र है, 24 घंटे जहां पर दुर्गंध रहती है, ऐसे स्थान पर रहता हुआ और फिर क्या होता है, उत्तरण पाद उल्टा लटका हुआ होता है, फिर नीचे पैर ऊपर, ऐसी परिस्थिति में उस मल मूत्र में पड़ा हुआ भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु एक बार मेरा इस गर्भ जोनी से छुटकारा हो जाए, फिर कभी आपको भूलूंगा नहीं, मैं से आपको याद रखूंगा, आपका ही भजन करूंगा। परंतु जब संसार में आता, संसार की माया उसको ग्रस्त कर लेती है, ऐसा प्रभाव होता है, और फिर उसी 84 के चक्कर में पिसता है। और इससे बचने के लिए शास्त्र में कहा है कि एक माता है इस महाभगवती की शरणागति है। जय भगवती महामाया जो देवताओं को भी मोह में डाल देती है, फिर सामान्य मनुष्य का कहने क्या। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी भी जो हैं, वह मोह में फंस जाते हैं। ज्ञानी नाम चेता जी देव भगवती सा भला धाकृष्य मोहाया महामाया प्रजश्यति। ऐसे ज्ञानी, ऐसे तपस्वी जो हैं, जो वनों में रहते हैं, कहीं महल में नहीं रहते हैं, कंद मूल फल खाते हैं, साधना करते हैं, ऐसे तपस्वी भी जो हैं मोह में पड़ जाते हैं। इसलिए इससे सिद्ध होता है, इस भगवती महामाया की कृपा के बिना जो है तपस्वी जो है अपनी तपस्या में सफल नहीं होते। यही तपस्वियों का तप है, सतियों का सत है। जो इसके शरणागत हो जाते हैं, और जिन पर इस देवी की कृपा हो जाती है, इस आदि शक्ति की, इस भगवती महामाया की कृपा हो जाती है, उनके संसार में सब कार्य जो है वह सिद्ध होते हैं। सब प्रकार के सुख भोग करते हुए अंत में वह उन्हें इस देवी का ही परम धाम जो है प्राप्त हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। वह भगवती आदि शक्ति जो सृष्टि काल में सर्ग शक्ति, स्थिति काल में पालन शक्ति, संहार काल में जो है रुद्र शक्ति के रूप में रहती है, तथा ब्रह्मा विष्णु और शंकर के द्वारा जो आराधित हैं, सेवित हैं, पूजित हैं, वह भगवती आदि शक्ति हम सब भक्तों का मंगल करें, हम सबका कल्याण करें, हम सबकी सबोर से रक्षा करें, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे,
और ऐसी कृपा करें कि सर्वदा अपने चरणों के साथ हमें लगाए रखे, ऐसी कृपा करें जिसकी कृपा से, जिसके आशीर्वाद से जो है इस लोक में हम समस्त सुखों का भोग करते हुए हमारा परलोक भी कल्याण में हो जाए, ऐसी उस भगवती की, उस जगजन की हम पर कृपा हो। इस प्रकार से वह भगवती आदिशक्ति हम सब भक्तों का सब ओर से कल्याण करें, हम सबका मंगल करें। सूर्य नैमिष अरण्य में सोन का देशियों को श्रीमद देवी भागवत की कथा सुनाते हुए, इस मां की महिमा सुनाते हुए वह कहते हैं कि महर्षि व्यास जी जो पराशर के पुत्र थे, पराशर ऋषि जो हैं, जो भगवान के अवतार थे, व्यास जी सूर्य जी कह रहे हैं कि राय जन्म जी ने महर्षि व्यास जी से प्रश्न किया, महाराज किसकी हम आराधना करें, किसकी उपासना करें, किसके नाम का जप करें, तप करें, यज्ञ करें, जिसके करने से मनुष्य के मनोरथ पूर्ण होते हों, उनकी मनोकामना, उनकी मनोलक्षित कामना पूर्ण होती हों, जो सदगति को प्राप्त हो सके, पापों का नाश हो सके, ऐसा कोई देवता जिसकी आराधना करने से मनुष्य की मनोलक्षित कामना पूर्ण हो सके, ऐसा प्रश्न जो है राय जन्मेजी ने जी महर्षि व्यास जी को पूछा था। व्यास जी कहते हैं कि राजन, अपना जो कल्याण चाहते हैं, जो अपनी जीवन यात्रा सुख चाहते हैं, जो सदगति चाहते हैं, उन्हें सदा सर्वदा मां भगवती की शरणागत होकर के शक्ति की उपासना करनी चाहिए, भगवती की उपासना करनी चाहिए। कैसे? नवरात्र विधि से, नौ दिन की जो साधना होती है, नवाह यज्ञ जो है, वह उसे करें। श्रीमद देव भागवत की कथा श्रवण करें, प्रतिदिन जो है देवी का पूजन करें श्रद्धा युक्त होकर के, क्योंकि जे भगवती हृदयेश्वरी सबके हृदय में विराजमान है और ये सबके हृदय की जानती है। आप घर से चले हैं, आपके हृदय की बात को जी पहले ही जानती है, क्योंकि जिन भक्तों ने कृपा करते हैं उन भक्तों को अपने दरबार में बुलाती हैं, अपने चरण में बैठाती हैं। इसलिए जय भगवती सबके हृदय की बात को जानती है, जिसने बुलाया अपने चरण में बैठाया है, क्योंकि इसके बुलावे के बिना जहां पर कोई आ नहीं सकता, इसकी कृपा के बिना जहां पर कोई बैठ नहीं सकता। तो हृदयेश्वरी जो है वह सबके जानती है, तो वह क्या देखती है? श्रद्धा। जो भक्त मेरे दरबार में आया है ऐसे ही यात्रा करने के लिए है, जहां उसके हृदय में मेरे प्रति श्रद्धा भी है कि नहीं है, विश्वास है कि नहीं है। जो श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो कुछ भी नहीं। जो अपने इसके में सच्ची श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनके कार्य जो है ऐसे सिद्ध होते हैं, पता नहीं चलता जीवन में ये काम कैसे हो रहे हैं, अद्भुत चमत्कार होते हैं जीवन में। इसलिए श्रद्धा जो धोकर के, जो भगवती के शरणक धोकर के इस देवी की आराधना करते हैं, मां की उपासना करते हैं, मां से प्रार्थना करते हैं, जय भगवती हृदयेश्वरी उनके हृदय की बात को स्वीकार करती है, और स्वीकार ही नहीं करती परंतु पता नहीं चलता उन कार्यों को ऐसे सिद्ध करती है, जीवन में अद्भुत चमत्कार होता है। उस भक्त के जो भी मनोवलक्षित कामना होती है वे सब पूर्ण होती है। जय व्यास जी राज जन्मे जी को समझाते कह रहे हैं कि आप भगवती के शरणागत हो जाओ, मां से प्रार्थना करो, और आपकी जो मन की कामना है जो भगवती आदि शक्ति अवश्य पूर्ण करेगी, क्योंकि राज जन्मे जी जो थे
परेशान थे, क्योंकि जब उनके पिता राय परिषद को सामने डस लिया था तो उनकी अकाल मृत्यु हुई थी। अकाल मृत्यु जो है होने के कारण से वह दुखी थे कि मेरे पिता को जो सदगति कैसे प्राप्त हो। उसी के लिए उन्होंने ये प्रश्न किया था कि मैं चाहता हूं मेरे पिता को जो है सदगति प्राप्त हो और उसके लिए मैं क्या करूं। ये प्रश्न जो है उन्होंने व्यास जी किया था, और प्रश्न का उत्तर देते जब उन्होंने समझाया तब जो है उन्होंने मां भगवती की आराधना की, नवाज यज्ञ किया। प्रतिदिन जो है महर्षि व्यास जी श्रीमद देव भागवती कथा सुनाते थे और राज जन्मे जी श्रोता थे, वे सुनते थे। प्रतिदिन जो है श्रीमद देव भागवत की पूजा करते, मां भगवत की पूजा करते, श्रद्धा युद्ध होकर के हवन करते, यज्ञ करते, और जब कथा होती बड़ी श्रद्धा से वह कथा सुनते, जिससे मां भगवती जो थे प्रसन्न होगी, प्रसन्न हुई। और कहते हैं कि जिस दिन वह यज्ञ समाप्त होगा पूर्ण आहुति हुई, उसके पिता परीक्षित जो थे वह सदगति को प्राप्त, उसको देवी लोक प्राप्त हो गया, दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। और ये देख करके जो है राज जन्मेज को बड़ी प्रसन्नता हुई मां पर जो है, कि मां प्रसन्न होगी और मां के प्रसन्न होने पर जो है जो मेरे मन में जो विचार था, जो मेरा संकल्प था वह पूर्ण होगा। मैं चाहता था मेरे पिता जो है वह स्वर्ग को प्राप्त हो, दिव्य लोक को प्राप्त हो, मां की उन पर कृपा हो जाए। और मां ने जी अद्भुत चमत्कार कर दिया कि यज्ञ की पूर्ण होती होते ही जो है वह उत्तम गति को प्राप्त, उत्तम लोक को प्राप्त हो गए, देवी लोक को प्राप्त हो गए। और ये सब देख करके जो है बड़े प्रसन्न हुए, मां की पूजा की, व्यास जी की पूजा की, उन्हें प्रणाम किया। महाराज आपने बिल्कुल, क्योंकि सदगुरु मिले तो सदगुरु ही ठीक मार्गदर्शन करता है, सदगुरु को कोई स्वार्थ नहीं होता। बच चाहता है मेरा शिष्य जो है आगे बढ़े, कल्याण को देखे, वह तभी संभव होता है जब गुरु की बतलाई ही बात को हृदयंगम करता है, अपने हृदय में ध्यान करता है, तो ही जो है उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। और सदगुरु भी तभी मिलते हैं जब उसकी कृपा होती है, उसकी कृपा होती है तो जीवन सदगुरु मिलता है, सदगुरु मिलता है उसी से वह परम कल्याण को प्राप्त होता है। ध्रुव जो था जब घर से निकला था संकल्प लेकर के मुझे भगवान को प्राप्त करना है, भगवान का दर्शन करना है, भगवान से मिलना, उनसे बात करनी है, मैं तब करूंगा। तो जब देखा भगवान ने कि जी बच्चा जो है आयु कितनी है, 6 साल की, 6 वर्ष का बच्चा जो है ऐसे संकल्प लेता है मुझे भगवान से मिलना है। और कहते हैं जो बच्चे होते हैं उनकी आत्मा बिल्कुल पवित्र होती है, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई द्वेष नहीं, वे मन में जो है किसी प्रकार का मैल नहीं होता उनमें जो है, और बच्चे दिल के बिल्कुल सच्चे होते हैं। और ऐसे बचपने की साधना जो है वे फलीभूत होती है। और दो चमत्कार हुआ, भगवान ने देखा जब बालक जो है ऐसा संकल्प लिया इसने और इसे जो करेगा, क्षत्रिय बालक है, और तब के लिए चला गया जंग वन की ओर जो है। और भगवान ने प्रेरणा दे दी देवर्षि नारद जी को, तो रास्ते में नारद जी मिल गए, सदगुरु मिल गए, सदगुरु मिले। और सदगुरु भी ऐसे नहीं कि जड़ से आए और मार्गदर्शन कर दिया, दैवी परीक्षा लेते हैं, हिला हिला के देखते हैं। इसलिए कहते हैं भक्ति इतनी आसान नहीं है, भक्ति में बड़े कष्ट बहुत सारे। ऐसे भक्त कहते हैं हमारे हम भक्ति करते हैं, हमारे जीवन दुख ही दुख है,
जिसका भक्ति करते हैं वह देवी भी वह देखती है जो भक्त सच्चा है जहां कच्चा है बीच में से ही भागने वाला है। भक्ति इतनी आसान नहीं होती। वह गुरु भी देखता है हिला लायक कि सच्चा भक्त है कच्चा है बीच में ही भागने वाला है, मैं इसको बतलाऊं भी रास्ता बतलाऊं और जे बीच से छोड़ करके चला जाए तो कोई लाभ नहीं। नारी जी कहते हैं कि आप तप करने के लिए तो जा रहे हैं, वहां पर मां थोड़ी बैठी होगी तुझे बना करके खिलाएगी। वन में जाओगे तप करोगे खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, और जितने ही नहीं कि जो है वहां पर सांप होंगी बिच्छू होंगी शेर होंगे वहां भूत प्रेत होंगे, खुद भय दिया डराया उसको। कहने लगा कि यदि जैसी बात है भूत प्रेत होंगे मां नहीं होगी सब नहीं होगा परंतु भगवान तो होंगे। मां ने कहा है कि मधुवन में भगवान रहते हैं, उनके बड़े बड़े विशाल नेत्र हैं कमल सदृश जो है, ऐसे भगवान जो हैं बाहर विराजमान है, मैंने उनसे मिलना है उन्हीं से बात करनी है और कैसे उनकी आराधना करके सब बतलाया। परंतु वह बालक जो था पीछे हटा नहीं, तब देखा जे बच्चा जी बालक जो है जे भक्त जो सच्चा है कच्चा नहीं है, तो देवसी नारी ने उनको जो है मंत्र दिया दीक्षा दी बेटा इस प्रकार से मंत्र जप करना भगवान का स्मरण करना इस मंत्र के द्वारा साधना करना भगवान की कृपा होगी आपको भगवान के दर्शन होंगे 6 महीने में। ध्रुव ने जो है साक्षात भगवान का दर्शन कर लिया था। बोलो सच्चे दरबार की जय। भगवान को आना पड़ा, भक्ति भक्ति में ऐसी अद्भुत शक्ति होती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार से अब जो है राय जन्म जी बड़े प्रसन्न हुए हैं, उनने जीवन संकल्प ले लिया कि मैं इस शक्ति की उपासना भगवती की आराधना और दूसरों को प्रेरणा दी कि आप यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो माँ की आराधना कीजिए माँ को प्रसन्न कीजिए। इसलिए कहा है कि जिस घर में जो है इस देवी की आराधना होती जो मानव जो है माँ भगवत की आराधना करता देवी भागवत की कथा सुनता है जहां उसका पाठ करता है उसे परम सिद्धि प्राप्त होती सब कार्य सिद्ध होते हैं। उस घर में कहते हुए घर ही तीर्थ स्वरूप हो जाता है जिस घर में देवी भागवत जो है उसका पूजन होते हैं उसका पाठ होता है वह घर जो है तीर्थ स्वरूप हो जाते हैं समस्त तीर्थों का फल जो है उस गृहस्थ को प्राप्त होता है। इसके श्रवण से जो है जो अपुत्र है अपुत्र को जो है पुत्रवान अर्थात जिसके संतान या संतान सुख की प्राप्ति होती है, और जो है दरिद्र जो है वह धनवान हो जाते हैं लक्ष्य युक्त होते हैं। इस प्रकार से जो रोगी है वह निरोगी जीवन प्राप्त करता है रोगिता को प्राप्त होता है, और जिस घर में देव भगवत की जो इस प्रकार से पूजा होती है पुस्तक की पूजा होती है नित्य जो है उसका पूजन किया जाता है पाठ किया जाता है वह घर जतीर स्वरूप होता है। और इतना ही नहीं वहां पर जो है कभी पाप जो है कभी नहीं टिकते। जहां इस प्रकार से भक्ति होती है माँ की जो जगती है वहां पर मनुष्य के विचार जो है उसकी बुद्धि सात्विक उनकी बुद्धि जो है सदा सर्वदा जो है सदविचार करती है कभी उनमें बुरे विचार नहीं आते। जिनमें जिनकी बुद्धि में अच्छे विचार आते हैं तो उनसे भला बुरे कर्म कैसे हो सकते हैं, जिनसे बुरे कर्म नहीं होंगे तो उनको पाप कैसे लगेगा वह पुण्यात्मा होंगे। और इस प्रकार उनका वंश जो है जब तक सृष्टि रहेगी जो पृथ्वी जो आकाश जो सूर्य चंद्रमा गतिमान रहेंगे तब तक जो है उनका वंश जो इस सृष्टि पर चलता रहता है। इस प्रकार से जी भगवती जो देवी जो है जिसकी आराधना करने से कहते जो ब्राह्मण जो है इस देवी भागवत का पाठ करता है महाविद्वान होता है प्रकांड विद्वान ज्ञानवान होता है। जो क्षत्रिय जो है इसकी उपासना करते हैं इसका पाठ करते हैं वह शूरवीर होता है तेजस्वी होता है। जो वैश्य जो है इसकी साधना करते हैं वह धनाढ्य होता है धनवान होते हैं धन लक्ष्मी की मां लक्ष्मी की उन पर विशेष कृपा होती है। जो शूद्र जो है देवी की उपासना करते हैं पाठ करते हैं वह अपने कुल में जो है सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम।
उत्तम माना जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री विजय कुमार जी महाराज के चरण में भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन सहयोग देना सा मिलकर उन्हें ताली बजाते हुए श्री विजय कुमार जी। जयकारा शेरावाली दास, शेरावाली ए माए तेरा दर ऐसा, जिथे बड़े बड़े सिर चुग जांदे, ओ जेड़ा सच्ची जोत नू मन्ने ओदे गेड़ चौरासी वाले कट जांदे, ओदे गेड़ चौरासी वाले कट जांदे, ओ जीना रखिया तेरे ते माई डोरा पोते कते गोलदे नहीं ओ, जीना रखिया तेरे ते माई डोरा पोते कते गोलदे नहीं ओ, जीना रखिया तेरे ते माई डोरा पोते कते गोलदे नहीं ओ, हाथ खोक लगाए ढीले चाले नहीं, चाले की आवाज माए के दरबार तक पहुंचे, एक बार सही भक्त जाए अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाथ दीजिए, हाथ सभी ऊपर माँ भगवती माँ भक्तों के हाजिर से विचार करें, आपके झोलियाँ भरे आपकी मरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर देता है। बोलते नहीं हो, 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 बोलते न
मजीना रखिया तेरे ते माई डोरा ओते कते डोलदे नहीं ओ मजीना रखिया तेरे ते माई डोरा ओते कते डोलदे नहीं रू रू अंग अंग तेरा कर जाइए खाए ता तेरी बड़े आईए नाले खाए ता तेरी बड़े आई पावे आन मुसीबत करोड़ा ओते कदे डोलदे नहीं ओ पावे आन मुसीबत करोड़ा ओते कदे डोलदे नहीं ओ जीना रखिया तेरे ते माई डोरा ओते कदे डोलदे नहीं ओ जीना रखिया तेरे ते माई डोरा ओते कदे डोलदे नहीं रखिया तेरे ते माई डोरा ओते कदे डोलदे नहीं ओ रखिया तेरे ते माई डोरा ओते कदे डोलदे नहीं ओ डोलदे नहीं ओ बोलदे नहीं ओ डोलदे नहीं ओ बोलदे 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 नहीं ओ जीना रखिया ओ जीना रखिया जीना रखिया तेरे ते माई डोरा ओते कदे डोलदे नहीं ओ जीना रखिया तेरे ते माई डोरा ओते कदे डोलदे नहीं ओ जीना रखिया तेरे ते माई डोरा ओते कदे डोलदे नहीं ओ जीना रखिया तेरे ते माई डोरा ओते कदे डोलदे नहीं ओ मां ओते कदे डोलदे नहीं ओ मां ओते कदे डोलदे नहीं ओ मां ओते कदे जयकारा शेरां वाली दा मोर सच्चे दरबार की जय श्री मुझे पुस्त करेंगे श्री मनिंदर जी जयकारा शेरां वाली जी का मोर सच्चे दरबार की जय चलो चलो रे वैष्णो धाम भवन के पट खुल गए चलो चलो रे वैष्णो धाम भवन के पट खुल गए चलो चलो रे वैष्णो धाम भवन के पट खुल गए ओ चलो चलो रे वैष्णो धाम भवन के पट खुल गए चलो चलो रे वैष्णो धाम भवन के पट खुल गए बोले नो वैष्णो मैया का नाम भवन के पट वैष्णो मैया का नाम भवन के पट खुल गए वैष्णो मैया का नाम भवन के पट खुल गए देखो वैष्णो मैया का नाम भवन के पट खुल गए वैष्णो माँ के द्वार पे लगह मेला भारी देखो लगह मेला भारी देखो लगह मेला भारी वो दर्शन करने दूर दूर से आए नर और नारी देखो आए नर और नारी देखो आए नर और नारी वो वैष्णो माँ के द्वार पे लगह मेला भारी देखो लगह मेला भारी देखो लगह मेला भारी हाँ दर्शन करने दूर दूर से आए नर और नारी देखो आए नर और नारी देखो आए नर और नारी यहाँ कटते हैं जय हो यहाँ कटते हैं जय हो यहाँ कटते हैं दुखड़ तमाम भवन के पट खुल गए यहाँ कटते हैं दुखड़ तमाम भवन के पट खुल गए हो यहाँ कटते हैं दुखड़ तमाम भवन के पट खुल गए कटते हैं दुखड़ तमाम भवन के पट खुल चलो रे चलो चलो रे वैष्णो धाम भवन के पट खुल गए चलो चलो रे वैष्णो धाम भवन के पट खुल गए हो यहाँ पे बैठी वैष्णो माता चामुंडा वरदानी देखो चामुंडा वरदानी देखो चामुंडा वरदानी हो सुख संपत्ति अन धन बांटे त्रैलोकी की रानी देखो त्रैलोकी की रानी देखो त्रैलोकी की रानी हो यहाँ पे बैठी वैष्णो माता चामुंडा वरदानी देखो चामुंडा वरदानी देखो चामुंडा वरदानी हाँ सुख संपत्ति अन धन बांटे त्रैलोकी की रानी देखो त्रैलोकी की रानी देखो त्रैलोकी की रानी माता बिगड़े जय हो माता बिगड़े जय हो माता बिगड़े बनाती काम भवन के पट खुल गए
माता बिगड़ बना दीता भवन के पट भुल गए हो माता बिगड़ बना दी काम भवन के पट खुल गए माता बिगड़ बना दीता भवन के पट भुल गए हो चलो चलो रे वैष्णो धाम भवन के पट खुल गए चलो चलो रे वैष्णो धाम भवन के पट खुल गए के फूल चढ़ा के कर लो बाकी पूजा भक्तो कर लो माँ की पूजा भक्तो कर लो माँ की पूजा पूजा हरी से लोकी में ऐसा द्वार नहीं कोई दूजा देखो द्वार नहीं कोई दूजा देखो द्वार नहीं कोई दूजा जो जगह के फूल चढ़ा के कर लो बाकी पूजा भक्तो कर लो माँ की पूजा भक्तो कर लो माँ की पूजा सारी से लोकी में ऐसा द्वार नहीं कोई दूजा देखो द्वार नहीं कोई दूजा देखो द्वार नहीं कोई दूजा सारी दुनिया है सारी दुनिया है वो सारी दुनिया है माँ की गुलाम भवन के पट खुल गए सारी दुनिया है माँ की गुलाम भवन के पट खुल गए सारी दुनिया है माँ की गुलाम भवन के पट खुल गए सारी दुनिया है माँ की गुलाम भवन के पट खुल गए चलो चलो रे वैष्णो धाम भवन के पट खुल गए चलो चलो रे वैष्णो धाम भवन के पट खुल गए बोले लो वैष्णो मैया का नाम भवन के पट खुल गए बोले लो वैष्णो मैया का नाम भवन के पट खुल गए हो तेरे द्वारे पर मैया जी आए तेरे सवाली देखो आए तेरे सवाली देखो आए तेरे सवाली हो चाहे खाली झोली बदलो चाहे मोड़ो खाली देखो चाहे मोड़ो खाली देखो चाहे मोड़ो खाली हो तेरे द्वारे पर मैया जी आए तेरे सवाली मैया आए तेरे सवाली मैया आए तेरे सवाली चाहे खाली झोली बदलो चाहे मोड़ो खाली मैया चाहे मोड़ो खाली मैया चाहे मोड़ो खाली हम करते हैं वो हम करते हैं वो हम करते हैं तुमको प्रणाम भवन के पट खुल गए हम करते हैं तुमको प्रणाम भवन के पट खुल गए हम करते हैं तुमको प्रणाम भवन के पट खुल गए हम करते हैं तुमको प्रणाम भवन के पट खुल गए चलो चलो रे वैष्णो धाम भवन के पट खुल गए चलो चलो रे वैष्णो धाम भवन के पट खुल गए बोले लो वैष्णो मैया का नाम भवन के पट खुल गए बोले वैष्णो मैया का नाम भवन के पट खुल गए 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 हम भवन के पट खुल गए जयकारा श्री वाले जी का बोल सच्चे दरबार की जय तभी एक लघु भजन प्रस्तुत करेंगे श्री यशवंत जी जयकारा श्री रामानंद बोल सच्चे दरबार की जय काहे जन्म गवाए मांगे नाम के बिना 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 तेरा कोई ना सहारा मांगे नाम के बिना तेरा कोई ना सहारा मांगे नाम के बिना के बिना पिता मत कभी ना तेरे हाथ आएगा ओ पिता मत कभी ना तेरे हाथ आएगा के लाख यतन प्यारे पछताएगा के लाख यतन प्यारे पछताएगा कोई ना संकट मिटाए हो नाम के
मठ में जाए माँ के नाम के बिना कोई ना संगत में जाए माँ नाम के बिना कोई ना संगत में जाए माँ के नाम के बिना काहे जन्म गवाए माँ के नाम के बिना काहे जन्म गवाए माँ के नाम के बिना हाथ जाएगा कोई ना साथ निभाए माँ के नाम के बिना कोई ना साथ निभाए माँ के नाम के बिना तेरा कोई ना सहारा माँ के नाम के बिना तेरा कोई ना सहारा माँ के नाम के बिना बंधक कंचन मृचिराक्षमाला पाशाकुशाच भरदाम नजवादंड बिभ्राणमंदशकल वरणं त्रिनेत्रं अर्धाम्बिकेशमणिशं वपुरशयामि सच्यां ज्योतां वाली माता तेरी सदा ही जय माँ भगवती की असीमण कंपा से आप भक्त जिनों के सायंकाल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आप बड़े ही भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में माँ के चरण बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रही और माँ वैष्णो देवी प्रसन्नता पूर्वक आप भक्तों को अपने दरबार में बुलाती रही अपना आशीर्वाद आपको देती रहे और माँ के आशीर्वाद से आप भक्तों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि हो आपके घरों में आपके परिवार में सुख समृद्धि हो आप उत्तरोत्तर उन्नशील हो उन्नति को प्राप्त हो और माँ वैष्णवी हर स्थान पर देश विदेश में हर क्षण हर पल अंगसंग आपकी रक्षा करें आपकी दीर्घायु करें आपके कारोबार में वृद्धि करें सर्वत्र आपका मंगल ही मंगल करें सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और ये श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव संतते भाने भव शर्मांजस भव प्रज्ञा भान भव भूर्भूत कर्ण दान कनिष्ठो भव तेजस्वी भव धैर्य गर्भधारण व्यापार दक्ष भव श्री शंबर पाद पुण्यत सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशस्तु मित्रानाम देश शरीर वर्चस्व आयुष्म आरोग्यमाविदा शुभमानम हीयते धनं धान्यं पशु बहुपुत्र लाभ सत्संवत्सर दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः
माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धन्य से समृद्ध करें, सब और से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक कर। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्त जन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, समल पर बोलना ताली बजाते हुए। ओम जय अम्बे गौरे मैया जय श्यामा गौरे मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी मैया जी को निज दिन जावत हरि ब्रह्मा बरे। ओम जय अम्बे नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी।
पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय तो सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे दरबार की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी मैं विभूति की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करके अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत मैं विभूति की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आर्थिक वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी, मन बोलो जय माता दी। सभी भक्ति भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे संभल कर बोलना। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मानी मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आद जने, द्वितीय तिमरा शारदा, हमेश जय माँ। आनंदे आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैयाठ पहल तो सतगड़ी, जो चरणा धा ध्यान जय Thank you.
भर्गं चक्रगदेषु चापवर्गान् चोलं वशुण्डिं शिरा सङ्गं सन्धरतीन्द्रवीर्तिनेणां सर्वाङ्गभूषाविदां नीलाश्मद्भिमाशपादकशकान् सेवे महाकालिकां जापस्तो स्वविदेहरूपमलजं हन्तुं मधुं केतवम् अक्षासर्वर्षं गलेषु कुलशम् पदमन्दनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिमचर्मजलजं घण्टा सुरावाजनं शूलं पाजतु दर्शने च सरते हस्ते प्रसन्नायणां सेवे सेवमर्दनी घण्टा शूलहराजशङ्कमसले चक्रं धनुसायकम् अच्छादितपिङ्गलान्तविलसन् शीताशुकल्यापर्वां गौरी देहसमुद्गवाङ्गजगताम् आधारभूतामः पूर्वामस्तरस्वतीमनुभजे शुम्भादिरितायणी तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धुसहा तुमेव तुमेव विद्याजयनं तुमेव तुमेव सर्वं देव देव शान्ताकारं भुजगशयनं परमनारं सुरेशं विश्वाधारं गगनद्विजं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं ज्योतिर्विद्यानुभङ्गं वन्दे विष्णो भवहरं सर्वलोकेशनाथं पतितं देवं रामनारायणं कृष्णामोदरं वासुदेवम् श्रीधरं माधवं भक्तिकावल्लभं भारतीदासं शिवचन्द्रं भजे हरे मुरारे मुरलीद्वारे गोविन्द गोपालमखं किशोरे ज्ञानं प्रदेहि शरणं विद्या प्रदेहि भगवन् नमस्ते सच्या ज्योता बाली माता तेरी सदा पञ्चफूला रानी माता तेरी सदा चंद्रका बला कन्न वाली माता तेरी सदा सारे संसार भी शांति देने वाली माता तेरी सदा गुला चुका माफ करने वाली माता तेरी सदा गुफा विच निवास करने वाली माता तेरी सदा जोंकड़ा भी ठाग तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो दानियों में दानियों में दानियों में विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारतवर्ष 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 हर हर महादेव शिरति जय सनातन धर्म की जय गो माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय जनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सबकी मनोकामना पूरी हो जयकारा श्री रामलीला की जय।